इंदौर बाईपास पर चलती लग्जरी कार लैंड रोवर में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले कार पूरी तरह जल गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कार की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह घटना इंदौर बाईपास बंगाली चौराहे के पास हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के भेंड में केंद्र की मोदी सरकार की सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वाली उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर और चूल्हे भूसे के ढेर में कैप्शन से फोटो शेयर किया है। नाथ का कहना है कि पीएम की योजनाओं की स्थिति उस प्रदेश की है जहां के जबलपुर में देश के गृह मंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा आज शनिवार को भोपाल में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा के एक मतदान 20 नौजवान अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीपीए को बंद करने की घोषणा के बाद अब इस दिशा में कवायद शुरू हो गई है। सीपीए के पार्क का काम अब भोपाल नगर निगम को सौंपा जाएगा। वहीं सड़क और बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित की जाएगी। भोपाल में मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हवाओं का रुख बदलने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज शनिवार की रात से भोपाल में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के 655 कॉलेजों में 58,600 सीटों पर अब तक 47,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के 9 कोर्सों में 70,000 सीटों पर 53,000 प्रवेश हुए हैं। इस तरह से करीब 27,000 सीटों पर प्रवेश अभी बाकी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में आज शनिवार की सुबह फिल्म ओ माय गॉड की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेता अक्षय कुमार भी आज उज्जैन पहुंचे। एमपी के बड़वानी जिले के अंजड़ में आज शनिवार सुबह निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार करीब 10 बच्चे सामान्य रूप से घायल हुए हैं। भोपाल में खेले जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में अंश पुरोहित की 90 रनों की धमाकेदार पारी से अंकुर अकादमी ने ज्योतिरादित्य अकादमी को इंटर अकादमी अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में 104 रनों के विशाल अंतर से पराजित किया। भोपाल के उभरते तैराक प्रांजल पांडे ने बेंगलुरु में आयोजित हो रही 47वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता।